पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी पंचवटी परिवार द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सामूहिक लोहड़ी का महोत्सव ढोल की थाप पर झूमते नाचते ऊर्जा उत्साह श्रद्धा विश्वास सद्भावना के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सम्मानित बुजुर्गों द्वारा लोहड़ी प्रज्वलित कर सभी ने घेरा बनाकर लोहड़ी गीत गाते हुए परिक्रमा लगाई व एक दूसरे को लोहड़ी की बधाइयाँ दी। पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी ताजनगरी में सभी ने भावपूर्वक लोहड़ी की अग्नि में प्रसाद रूपी फूले पॉपकॉर्न मूंगफली रेवड़ी का भोग लगाया। वहीं प्रभु परमात्मा से प्रार्थना की कि बच्चों की दीर्घायु और देश में सुख शांति बनी रहे। प्रभु श्री राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। लोहड़ी का प्रकाश सबकी जिंदगी को प्रकाशमय कर दे। जैसे जैसे लोहड़ी की अग्नि तेज हो वैसे वैसे ही सबके दुखों का अंत हो। मैं उपेंद्र सिंह हूँ, पार्श्वनाथ पंचवटी का निवासी हूँ और यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। और पंचवटी एक ऐसी कॉलोनी है हम लोगों की जहाँ पे सारे ही पर्व सभी लोग यहाँ पे जो निवासीगण बहुत ही हंसी खुशी से आपसी प्रेम सद्भाव भाईचारे के साथ मनाते हैं। और आज इस पर्व पे मैं यहाँ के निवासियों के साथ साथ सभी को बहुत बहुत लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूँ। उत्साह भरा त्यौहार, आनंद भरा मज़ा आज पार्श्वनाथ पंचवटी सामूहिक लोहड़ी उत्सव मनाया है। और पार्श्वनाथ पंचवटी ही एक ऐसी पंचवटी है सद्भावना के सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, सब मिलके एकजुट होकर त्यौहार मनाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से मेला लगा हुआ है और सभी की ये भावना रहती है कि श्रद्धा भाव के साथ हम सब लोग आपस में एक बन के मेल के साथ ऐसे त्यौहार मनाते रहें। और श्री राम प्रभु से हमारी यही कामना है कि सभी के जीवन में मंगल में हो। आज हमने दो जोड़ों का यहाँ पे सम्मान किया है और साथ ही साथ पंजाबी इकाई के रोहित कत्याल और संजय अरोड़ा का भी स्वागत किया है। ऐसे शुभ अवसर हमको मिलते रहे और हम ऐसे शुभ कार्य करते रहे। वह नव दंपति अनमोल स्मित कौर, धर्म सिंह, हरजिंदर कौर को जोड़ी का उपहार देकर सम्मानित किया गया। युवा इकाई पंजाबी समाज के रोहित कात्याल, संजय अरोड़ा को शॉल पहनाकर सम्मान किया गया। जैसे कि आपको मालूम है हमारी पंचवटी में हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसी क्रम में आज लोहड़ी का त्योहार भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं हम लोग। विशेषतः लोहड़ी का त्योहार कृषि और प्रकृति पर आधारित होता है। नई फसल चढ़ा के हम लोग उसका स्वागत करते हैं, उसी में उस अग्नि को हम लोग नई फसल चढ़ा के। सभी ने ढोले की थाप डीजे की धुन पर झूमते नाचते सभी के साथ लख लख बधाइयों के सिलसिले के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद के साथ खुशियां मनाई। ये लोहड़ी का प्रोग्राम होता है हमारा हर साल और ये हमारी पहली लोहड़ी थी। पहली लोहड़ी है शायद। आपको कैसा लग रहा है? आपने लोहड़ी मना रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉयमेंट होता है पंचवटी परिवार के संग, हमेशा हमारे हर साल ये एंजॉयमेंट होता है और हमारी फर्स्ट लोहड़ी है। जो भी यंग एज है, एज के लोग हैं, जितने भी मतलब मैं चाहता हूँ कि उनको भी ये मैसेज पहुँचे कि लोहड़ी का प्रोग्राम मिलके हर परिवार को एक साथ में मिलाना चाहिए, मनाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहे सुमन यादव, श्याम भोजवानी, दीपक गुप्ता, आरपी सिन्हा, राणा आदि।